अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज ही रम झांझर में। दिजवेंद्र सिंह मार्को को बुरदरा कला पंचायत से निर्विरोध सरपंच बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दिजवेंद्र सिंह मार्को को बुरदरा कला पंचायत से निर्विरोध सरपंच बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन प्रथम दिन ही बड़े सड़क हादसे में दो बच्चे सहित एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कटघोरा पुलिस का कहना है कि विपरीत दिशा से आ रही डीजल टैंक ने बाइक में सवार तीनों लोगों को ठोकर मार दी। नए साल के दूसरे सप्ताह में नेशनल हाईवे की सड़क हुई खून से लाल। कटघोरा थाना अंतर्गत चंद्रपुर के पास ग्रीन वैली ढाबा के समीप डीजल टैंक ने मोटरसाइकिल क्रमांक CZ12AD3934 में सवार तीन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कटघोरा अस्पताल लाते लाते रास्ते में ही तीनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना के अनुसार मोटरसाइकिल से तीन लोग आ रहे थे, जिसमें दो बच्चे एवं एक लगभग 24 साल का युवक जो कि अपने साथ बच्चों को लेकर आ रहा था। सामने तेज रफ्तार से आ रहा टैंकर इनको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तीनों को जबरदस्त चोटें आई। घटनास्थल के आसपास लोगों ने कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर घायलों को पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कटघोरा थाना को जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद तीनों की शिनाख्ती हुई, जो कि कटघोरा से लगे हुए ग्राम गुरुमुड़ा के माझी पारा निवासी परदेशी बिहोर के रूप में हुई है। आज अभी करीबन वही 10 बजे के आसपास हमारे यहाँ तीन जो कि एक्सीडेंट हुए थे चंदनपुर के पास, जो कि एक बच्चा जो 5 साल का है और एक उससे बड़ा है जो 8 से 10 साल का, और एक जवान आदमी जो कि 25 साल के आसपास का है, वो तीनों आज हमारे हॉस्पिटल में आए, जो कि बताया जा रहा है कि ट्रेलर को टैंकर ने उन्हें ठोका है, लेकिन यहाँ आते आते ही उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन हमने फिर भी प्रयास किया, लेकिन प्रयास जो है असफल रहा और उनकी मृत्यु पहले से हो चुकी थी और अभी उनको हम लोग मर्चुरी में रखवा रहे हैं। जानकारी के अनुसार वह अपने बेटे और अपने पड़ोस के बच्चे के साथ अपने पिता के घर महेशपुर जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टैंकर चालक ने मोटरसाइकिल सवार तीनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तीनों की ही मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने उक्त टैंकर को अपने कब्जे में लेते हुए फरार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक अभी एक्सीडेंट की सूचना मिली कि दानाखार के पास रोड में एक टैंकर वाहन से जो है मोटरसाइकिल चालक एक्सीडेंट हुए हैं, तो जा कर के पता किए तो उसमें मोटरसाइकिल में तीन लोग सवार थे, जिसकी जो है तत्काल जो है उनको हॉस्पिटल लाया गया, तो डेथ बताया गया है। एक का उम्र करीब 35 साल और दो बच्चे हैं, एक का उम्र करीब 5-6 साल और 8-10 साल, ऐसा करके तीन लोगों की एक्सीडेंट से। हाँ, अभी इनकी पतासाजी की जा रही है, इनका मोटरसाइकिल का नंबर आया है और उसके आधार पर पतासाजी कर रहे हैं। तो एक मोटरसाइकिल चालक पता चला ये अपने मोहनपुर का, उससे पता किए तो ये बोल रहा है कि चैतमा के पास किसी को बेचे हैं, उसको भी पतासाजी कर ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रेंकर चालक भाग गया है और गाड़ी जो है पुलिस अपने कब्जे में ले ली, ट्रेंकर को अपने कब्जे में ले ली।
कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिकसेना की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में।